विदेश दौरे से सीएम भजनलाल शर्मा लौटे स्वदेश। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट से जोधपुर हाउस पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। विदेश दौरे के दौरान कई उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात हुई। राइजिंग राजस्थान के लिए सीएम ने उद्योगपतियों को निमंत्रण भी दिया। दोपहर में जयपुर पहुंचने के बाद भव्य स्वागत आज सीएम भजनलाल शर्मा का होगा। दिल्ली एयरपोर्ट से जोधपुर हाउस पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। आपको बता दें कि विदेश दौरे के दौरान कई उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात हुई। कई कंपनीज के प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात करी। राइजिंग राजस्थान के लिए सीएम ने उद्योगपतियों से मुलाकात करी और राइजिंग राजस्थान को किस तरह से भव्य और सफल बनाया जा सके उसके लिए लगातार मैराथन दौरे करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। आज विदेश यात्रा से लौटेंगे, जयपुर पहुंचेंगे और उनके जयपुर आगमन पर भव्य तैयारियां उनके स्वागत की भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी की गई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, लगातार मैराथन दौरे सीएम भजनलाल शर्मा के और किस तरह से एक भव्य और सफल आयोजन राइजिंग राजस्थान का हो सके, लगातार तत्परता से सीएम लगे हुए हैं। आज जयपुर आगमन है, क्या कुछ तैयारियां उनके स्वागत की? देखिए सौरभ, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। एक सफल विदेश यात्रा के बाद सीएम भजनलाल शर्मा आज स्वदेश लौट गए और वो भी दिल्ली है। जयपुर जब आएंगे तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, एयरपोर्ट पर स्वागत होगा और भाजपा मुख्यालय पर स्वागत होगा। मैं अपने सहयोगी दिनेश के साथ आपको तस्वीरों के जरिए बता रहा हूँ किस तरह की तैयारी सीएम भजनलाल शर्मा के स्वागत की है। ये मंच है, आप देखिए, ये मंच बनाया गया है, इसको पूरी तरह से फूलों से सजाया जा रहा है। यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम और तमाम जो मंत्रीगण हैं और जो अपेक्षित पदाधिकारी हैं वो मंच पर बैठेंगे। इसके साथ ही जो उनका आगमन होगा, मैं वो भी आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये इधर रोड के इस साइड पूरा पंडाल बनाया गया है और इसके साथ ही अगर आप इधर आए, मेरे सहयोगी दिनेश को कहूंगा जरा इधर आए, इधर घूमे दिनेश, दिनेश इधर घूमे, ये मेरे सहयोगी, ये जो रोड है इस बार जो है सौरभ, स्टेज सर्कल से जो रोड आती है यहाँ से इस बार सीएम भजनलाल शर्मा का काफिला आएगा। इधर से नहीं आके, जनरली आपने देखा होगा काफिला इधर से आता था, ये जो आप सामने ट्रैफिक देख रहे हैं यहाँ से काफिला आता था, लेकिन चूंकि इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि सीएम के आगमन के दौरान और जब यहाँ अभिनंदन किया जाए, नागरिक अभिनंदन किया जाए, तो किसी तरह की समस्या नहीं आए, कोई ट्रैफिक को ज्यादा ना रोकना पड़े, लिहाजा एक अलग व्यवस्था की गई है। ठीक इधर अगर आप घूमेंगे, इधर साइड घूमेंगे, ये जो साइड में आपको दिखा रहा हूँ सौरभ, यहाँ से सीएम भजनलाल शर्मा का काफिला है पहुंचेगा, क्योंकि ये स्टैचू सर्कल से होता स्टैचू सर्कल से होते हुए यहाँ से उनका काफिला आएगा और सीधे एंट्री होगी यहाँ मंच पर सीधे। ये देखिए मंच, देखिए यहाँ पर होगी और यहाँ पर एक कार्यक्रम होगा। इसके बाद भाजपा मुख्यालय के अंदर भी वो जाएंगे, क्योंकि एक जनता के बीच कार्यकर्ताओं में जोश है और फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से मैं आपको बता दूं तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ मौजूद हैं, चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं और ये मंच का नजारा आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ भी चेकिंग की जा रही है। एक व्यू मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी सौरभ, जब यहाँ क्योंकि सिक्योरिटी उसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। और यहाँ देखिए, यहाँ मंच के बाद जब जो तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे सहयोगी, ये तस्वीर देखिए, ये नजारा उस वक्त बनेगा जब सीएम यहाँ से अपना उद्बोधन देंगे, तमाम जो अपेक्षित नेता अपने कार्यक्रम के दौरान संबोधित करेंगे, तो ये तस्वीर आपको सामने नजर आएगी। यहाँ तमाम जनता जनार्दन जो सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत करने पहुंचेंगे वो बैठेंगे। इसके साथ ही पूरा एक कटावेज लगाया गया है नेता के। अब देखिए पीएम मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, भजनलाल शर्मा हैं, प्रेमचंद बैरवा हैं, दिया कुमारी हैं, राधा मोहनदास अग्रवाल हैं, मदन राठौड़ हैं, सभी नेताओं के कटावेज यहाँ लगाए गए हैं और एक भव्य और सुंदर पांडाल यहाँ लगाया गया है। वजह यही है कि विदेश यात्रा के बाद जिस तरह के निवेश की संभावनाएं राजस्थान की धरती में बन रही हैं कि अधिक से अधिक निवेश यहाँ आए, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन यहाँ हो, तो लिहाजा एक जोश है, एक उत्साह है, क्योंकि हजारों साइन किए गए हैं। ऐसे में अपने सीएम का जब सफल विदेश यात्रा आने के बाद स्वागत की पूरी तैयारियां, फिलहाल में भाजपा मुख्यालय का आपको यहाँ से भजनलाल शर्मा भाजपा मुख्यालय जाएंगे और तमाम नेता
पहले ही उनकी तैयारियों को देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं वही बताऊं कि कैसे पूरे भाजपा मुख्यालय को आज सजाया गया है। कार्यकर्ताओं में बेहद जोश है, काफी खुशी का माहौल, कार्यकर्ता जोश में आज विदेश से लौट रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा जी। जी सर, लौट रहे हैं। कैसे स्वागत करेंगे आप? बड़े जोश के साथ, और पूरी राजस्थान के जो भी भारतीय जनता की पार्टी के कार्यकर्ता है हर जगह से आ रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी आज इतने बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, पहले भी लेके आए थे, अब भी लेके आए थे। इससे क्या राजस्थान में विभिन्न प्रकार के उद्योग लगेंगे और उद्योगों के द्वारा रोजगार मिलेगा और राजस्थान हमारा समृद्ध और खुशहाल होगा। पहले एयरपोर्ट पे स्वागत करेंगे? हाँ, पहले स्टार्टिंग में एयरपोर्ट पे है, उसके बाद में अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पे अपने अपने हिसाब से कार्यकर्ता सब से सम्मान मुख्यमंत्री जी को यहाँ तक लेके आएंगे और यहाँ पूरे पदाधिकारी और हर कार्यकर्ता यहाँ पे आके और यहाँ पे समाप्त। नागरिक अभिनंदन कहा गया है क्योंकि तमाम कार्यकर्ताओं के अलावा नागरिक भी चाहते हैं वो सीएम का स्वागत करें। नागरिक चाहते हैं, नागरिक अभिनंदन होगा हमारे सीएम साहब का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत होगा। और भव्य स्वागत के लिए 70 गाड़ियां तो भरतपुर से आ रही हैं, 100 गाड़ियां दौसा से आ रही हैं और टोंक, नावा, डीडवाना, किशनगढ़, इधर से मतलब पूरे राजस्थान भर से। जैसे भी कार्यकर्ता बता रहे हमें कि आसपास के इलाकों से भरतपुर है, दौसा है, यहाँ से गाड़ियां कहा कि स्वागत कार्यक्रम के बाद सीएम भजनलाल शर्मा भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। इसको भी पूरी तरह से सजाया गया है, दोनों तरफ भगवा आपको ध्वज से इसको पूरा समेटा गया है, कटावी जहाँ लगाए गए हैं यहाँ, क्योंकि जब भी वो जयपुर आते हैं सीएम भजनलाल शर्मा भाजपा मुख्यालय में जरूर कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। क्योंकि आपको वो दृश्य याद होगा सौरभ, मुझे तो याद है क्योंकि जब वो पहली बार विधायक बनकर आए थे, जब सीएम का अनाउंस नहीं हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले दहलीज को सष्टांग प्रणाम किया था। और अभी फिलहाल की अंदर की तस्वीर की मैं बात करूं तो अभी भी अंदर स्वागत की तैयारियों को लेकर मीटिंग हो रही है, तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं, पूरी तरह से कार्यालय को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। अच्छा, एक बात और जरूर है क्योंकि ये जो तस्वीर सामने आ रही थी कि एयरपोर्ट से लेकर और पूरे रास्ते उनका स्वागत किया जाए, इसमें थोड़ी तब्दीली इस लिहाज से हो सकती है क्योंकि आज करवा चौथ का त्यौहार है, प्रयास ये किया जाएगा कि टाइम पर कार्यक्रम हो जाए। ऐसे में जब हमारी मदन राठौड़ से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम रास्ते में स्वागत के लिए लोगों से कहेंगे कि वो भाजपा मुख्यालय पहुंचकर ही स्वागत करें। ऐसे में ये हो सकता है कि एयरपोर्ट के बाद सीधे वो पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और यहाँ जैसा कि भव्य स्वागत की तैयारियां आप देख रहे हैं स्वागत किया जाएगा। जी सौरभ जी, बिल्कुल स्वागत भी किया जाएगा और किया जाना भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि जिस तत्परता के साथ मुख्यमंत्री राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, सबसे पहले तो लाल सिंह मैं वो रणनीति आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि पहले भी राइजिंग राजस्थान हुए और इस तरह के कई कार्यक्रम हुए, प्रवासी राजस्थान हुए, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का विदेश दौरा जाना और वहाँ से उसको सफल बनाकर वापस लौटना, किस तरह से खास और नयापन इसमें देख पा रहे हैं? देखिए सौरभ, आपके सवाल का जवाब मैं ये दूं क्योंकि लगातार आपने देखा होगा जहां भी राइजिंग राजस्थान हुआ सीएम भजनलाल शर्मा के साथ सच बेधड़क की टीम भी मौजूद रही और मैं स्वयं भी वहां मौजूद रहा। तो एक अंतर जो मैंने देखा, सबसे पहला जो अंतर हम देख सकते हैं सौरभ, आपने देखा होगा, आपने भी कवरेज किया है, अक्सर सरकारें, इससे पहले जो सरकारें थीं वो ऐसे कार्यक्रम साल यानी कि अपने कार्यकाल के अंत के साल में कराती थी, यानी चौथे साल में या तीसरे साल के अंत में, लेकिन ये आप देखिए पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं जब साल के प्रथम साल में यानी कि सरकार के प्रथम साल में राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम कराया जा रहा है। उसके पीछे सीएम भजनलाल शर्मा का मकसद साफ है क्योंकि कई बार बड़े जो एमओयू साइन होते हैं सौरभ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है, फैक्ट्री लगानी होती है, उद्योग धंधे स्थापित करने होते हैं, तो उनको करने में एक समय लग जाता है। उनका मकसद क्या है कि समय पर समयबद्ध तरीके से जो एमओयू साइन हुए हैं वो जमीनी धरातल पर आए ताकि आम जनता को उनका लाभ मिल सके। ये कब होगा? जब पहले साल में एमओयू हो जाएंगे तो जो एमएसएमई के एमओयू हैं वो इसी साल में काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन जिनको समय लंबा लगता है, फैक्ट्री बनाने में समय लगता है वो, लेकिन कम से कम उनका फायदा उनके कार्यकाल में लोगों को मिलेगा, ये मकसद है। और देखिए इससे पहले हम अक्सर क्या देखते थे कि जनरल ये होता था कि बड़े फैक्ट्रियों से हम एमओयू करते थे, बड़े बड़े घरानों के संपर्क करते थे, उसका बहुत ज़्यादा फायदा वहाँ नहीं पहुँच पाता था जहाँ आज भी ज़रूरत है, उस गांव को, उस ढाणी को, उस कस्बे को। क्योंकि आप देखिए सौरभ, आप स्थान के सपनों को हम कब साकार कर पाएंगे? जब मेरा गांव विकसित होगा, मेरा कस्बा विकसित होगा, मेरा शहर विकसित होगा, मेरी ढाणी विकसित होगी, वहां सुरक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, सड़क होगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी, शिक्षा का उजियारा गाँव का वो फैलेगा, ढाणी ढाणी आपके रास्ते सुगम बनेंगे, तभी तो हम विकसित राजस्थान की सही मायनों में परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। केवल बड़े बड़े शहरों का विकास
और जब तक गाँव का विकास नहीं होगा, ढाणियों का विकास नहीं होगा, हम केवल चमचमाती सड़क, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े शहर, संभाग स्तर के विकास के दम पर ये दम नहीं भर सकते कि राजस्थान विकसित राजस्थान बन गया है। विकसित राजस्थान का सपना साकार होगा तब जब गाँव, ढाणी और आम व्यक्ति के अंदर सम्मान का भाव आएगा, आम व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी, आम व्यक्ति को स्वास्थ्य मिलेगा, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और ये तभी संभव है जब उद्योग धंधे जो हम स्थापित करना चाहते हैं राइजिंग राजस्थान के जरिए वो गाँव तक पहुँचें, कस्बों तक पहुँचें, छोटे छोटे शहरों में भी लगें। और यही बात है, हम लगातार जब सीएम भजनलाल शर्मा से हम बात करते हैं तो वो एक बात कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप बड़ा उद्योग धंधे स्थापित करें, क्योंकि वो जो प्रवासी राजस्थानी है, जो हिंदुस्तान देश से बाहर निकल के तमाम देशों में अपने व्यापार कर रहे हैं, उनसे वो एक ही बात कहते हैं कि आप अपनी जड़ों से जुड़िए, आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदुस्तान के दुनिया के किसी भी देश में जाएं काम करें, लेकिन आप अपनी जड़ों पर भी ध्यान दो, यानी कि आप वहां भी काम करिए जहां से आप आए हैं, और चाहे बड़ा उद्योग धंधे ना लगाएं, छोटे उद्योग धंधे स्थापित करें। आप देखिए सौरभ, एक छोटा उद्योग बनता है तो 50-100 लोगों को तो रोजगार वहां भी मिल जाता है। बिल्कुल। और एक खास बात आपने कहा कि, और दूसरी बात, इस बार एक विशेष फोकस ये भी किया जा रहा है कि जो एक जिला एक उत्पाद, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे राजस्थान में हर जिला एक पहचान के साथ है, उत्पाद के साथ है, उसका विकास कैसे किया जाए, जब उन उत्पादों को या उन पहचानों को आगे लाएंगे तो स्वाभाविक है ना केवल पहचान बढ़ेगी बल्कि उसके जरिए भी रोजगार के सृजन होंगे। सौरभ, ऐसे में लाल सिंह बेहद अच्छी बात है और बेहद अच्छी रणनीति भी है कि किस तरह से जो छोटे उद्योग हैं, जो स्थानीय उद्योग हैं, उनको विकसित किया जाए, बेहद ज़रूरी भी है। लेकिन ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरह से बनाई जाए, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति, क्योंकि चर्चा ये भी थी कि जो बहुत सारी एक कलेक्टर्स की फौज लगा दी गई है इस राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए, जो उद्योग है वो किसी भी तरह से धरातल पर उतरे, जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, वो धरातल पर उतरे, उन तमाम चीज़ों को लेकर वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखो, बिल्कुल आपने ठीक कहा सौरभ, बड़ा अच्छा सवाल आपका है, क्योंकि वो क्या व्यवस्था है, क्योंकि एमओयू साइन हो गया है तो जमीन धरातल पर क्यों आए, क्योंकि देखिए कोई भी उद्योगपति राजस्थान क्यों आना चाहेगा, उसको पहले आप सुरक्षा की गारंटी दें, इसके साथ ही आप स्मूथ सिस्टम बनाएं ताकि उसको फाइलों के चक्कर नहीं काटने पड़े, दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े फाइल लेकर। इसके लिए हर देश में एक आईएएस नियुक्त किया गया है, यानी कि चाहे उसका ट्रांसफर विभागों में अलग अलग हो जाएगा लेकिन उसकी जिम्मेदारी जो राइजिंग राजस्थान के तहत जिस देश को लेकर है वो वही बनी रहेगी। इसके साथ हर विभाग में एक आरएस को नियुक्त किया गया है राइजिंग राजस्थान को लेकर। और इसके बाद देखिए, इसके साथ ही प्लानिंग देखिए आप, अब मान लो आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं सौरभ, अब आपको वहाँ सड़क की जरूरत है तो आप देखिए प्रायोरिटी में वहाँ तक सड़क बनाई जाएगी। अगर मान लो आपको बिजली का संकट है, या मैं कहूँगी बिल्कुल, लाल सिंह बेहद खास और बिल्कुल सही दिशा में रणनीति बनाकर राइजिंग राजस्थान को सफल बनाया जा रहा है और जनता भी यही उम्मीद करती है कि जिस सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है वो धरातल पर उतरे, राजस्थान का विकास हो, जनता का विकास हो और सुख समृद्धि राजस्थान में और ज्यादा बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी।